हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेस्ट गन फाइटर के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने डार्ट्स वाला गेम कर बहुत पैसे कमाए थे, और इस वाले वीडियो में भी मैंने 82,000 पैसे डार्ट्स वाला गेम करके कमाए थे। और एक गेम है कार्ड्स वाला, पर उसमें लॉस भी होता है, पर अगर जीते तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलते, या फिर हम डार्ट्स के लिए डार्ट्स से ज़्यादा पैसे मिलते। और ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेचारी वर्कर है उसको मैं धक्का दे रहा हूँ। और ये है हमारा मिशन, हमारे घर में आके हमको मिशन दे रहा है बंदा, इसकी इतनी हिम्मत। तो कोई बात नहीं, पहले मैंने इतने 82,000 पैसे कमाए, उससे कुछ कपड़े वपड़े ले लेते। मेरे पास गन्स, मेरे को कौन सी अच्छी है वो आपने बताया ही नहीं अभी तक, मेरे को पता ही नहीं कौन सी गन अच्छी है। फिर भी मैं एक डबल स्कोफोल्ड अच्छी लग रही है मेरे को 40,000 की, वो लेनी चाहिए, या फिर इसको अपग्रेड करें तो बहुत ही सही रहेगा। पर मेरे को कुछ नहीं पता कि वो गन भी कैसी रहेगी। यहाँ पर स्कोफील्ड रिवॉल्वर भी है और डबल स्कोफील्ड भी है, तो उसको भी लेना चाहिए, क्या मालूम। अभी देखते हैं, 40,000 की वो गन ही लेंगे डबल स्कोफील्ड, तो वो ही सही रहेगी। और आपको पता है डेली रिवॉर्ड्स में भी गन मिल रही है, लास्ट वाले 7 डे 7 पे, वो भी सही है। एक मेरे ख्याल से पीस मेकर, या फिर वो अभी हमने स्कोफील्ड लिखी ना वो, तो अभी मैंने यहाँ पर डबल स्कोफील्ड बाय कर लिए। और एक चाकू भी बाय कर लेते हैं, और उसको इक्विप भी कर लेते हैं। नया घोड़ा भी खरीदना चाहिए, घोड़े की स्पीड की वजह से, पता है आपको पिछले वाले एपिसोड में एक मिशन हमारा 1 स्टार ही मिला था उसमें। तो यहाँ पर मैंने रियोट शॉटगन भी ले लिए, मेरे को कब से लेनी थी, देखते हैं वो अच्छी हुई तो। यहाँ पर मैं 4 घोड़े खरीद लेता हूँ, ट्रोटर को खरीद लेता हूँ, मेरे पास 50 क्रिस्टल्स हैं। और ये मस्टैंग भी अच्छा लग रहा है, पर 80 का है वो, दोनों 80 के हैं, उनको भी खरीदेंगे। पहले मैं ट्रोटर को खरीदा हूँ, जो वाइट वाला मेरे पास घोड़ा है ना, वो भी तेज़ दौड़ता है, पर ट्रोटर देखते हैं उससे भी तेज़ दौड़ता होगा। तो थोड़ी एमओ ले लेते हैं, लाइफ ब्लड वीआर ले लेते हैं, इनसे भी इनके स्टोरेज मैंने एक्सपांड नहीं किया यार, ये इसलिए पैकेज फुल रहता है हर बार। और मेरे पास, अरे भाई मेरे को ये शर्ट लेना चाहिए था, मेरे पास पैंट और हैट दोनों है, तो शर्ट भी लेना चाहिए था, बस मेरे पास 1,000 ही कम है। मैं जल्दी से पैसे डार्ट वाला गेम कर 1,000 कमा लेता हूँ। तो गाइस, मैंने 1,000 कमा लिया, अभी हम हंटर जैकेट खरीद लेते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे आउटफिट हैं, उनको भी खरीदेंगे। पर फिलहाल तो भाई 82,000 एक झटके में ख़त्म हो गए, 200 रुपये रह गए भाई। तो इस मिशन को लेते हैं, बिग विलेन वॉज लास्ट सीन एट द फॉरेस्ट, गो टेक हिम डाउन। तो हमें ये मिशन करना है, बाउंटी हंटर्स 2 इस मिशन का नाम है। और यहाँ पर हमको 2 एक्स्ट्रा भी दिए, जिसमें हमको 2 मतलब 3 स्टार मिलेंगे अगर उनको कंप्लीट कर दिया। तो जल्दी अपना घोड़ा लेते हैं, ज़्यादा टाइम पास करना नहीं है, देखते हैं घोड़े की स्पीड अच्छी होगी। मेरे ख्याल से बहुत दूर जाना होगा, वो जो सबसे दूर वाला एरिया है ना, वहाँ पर जाना पड़ेगा। देखते हैं अपने घोड़ा कितना तेज़ दौड़ता है, पहले यहाँ से बाहर निकलो भाई साहब, मतलब ये क्या घटिया है, बाहर निकलने और ये बंदा क्यों दौड़ते हुए आ रहा है बे भाई साहब। अपनी रिवॉर्ड शॉटगन निकाल, ये ही निकाल लेते अभी जो हाथ में, उससे मार देते भाई। मैंने घोड़े को मारा, मेरे को लगा मैंने उसको ही हेडशॉट मार दिया भाई। ये गन कैसी चल रही है, मतलब पहले राइट हैंड वाली गन से पहले गोली निकल रही है, बाद में दूसरे लेफ्ट हैंड वाले हाथ से निकल रही है गोली। तो इन घोड़ों को मैं रिवॉर्ड शॉटगन से हेडशॉट मार देता हूँ, एक हेडशॉट से पड़ जाते हैं सीधा, कोई बात नहीं। तो अभी अपने घोड़े को ले, अपना घोड़ा भी उनके ऐसा ही दिखता है यार, या फिर ये जगह ही ऐसी, यहाँ पर सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज दिखता है, यहाँ पर रेड मिट्टी है सारी की सारी। और मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, मेरे घोड़े को फिलहाल धक्का बुक्की कर रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई। ये कितना बड़ा रोड बना है यार, मतलब सामने ही रोड है, फिर घूम के आना पड़ता है ना, एकदम बोरिंग लगता है। वैसे मेरे घोड़े की स्पीड तो बहुत ज़्यादा सही है, कोई बात नहीं, थोड़ा घोड़ा दौड़ लेगा तो भी नहीं। वैसे कितना बेचारा घोड़ा है, उसको हम कुछ खाने को भी नहीं देते और फिर दौड़ाते रहते हैं। वैसे हम भी कुछ नहीं खाते यार, हम भी कुछ नहीं खाते, मतलब गेम में है ही नहीं खाने की सिस्टम, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अपना दूसरा वाला मिशन स्टार्ट हो चुका, और ये बंदे दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं भाई साहब, मेरे से पंगा नहीं, मेरे से पंगा नहीं, सीधा ये डबल स्कोफील्ड पड़ेगी ना मत्थे पे तो मज़ा आएगा भाई साहब, इसको दोनों हेडशॉट पड़े यार, सब सही मज़ा आता है वैसे इस गन से मारने को, पूरे इस अपना जो बंदा है ना उसके हाथ हिल जाते हैं ऐसा लगता है। तो अभी हम जल्दी से इन तीनों को भी निपटा लेते भाई साहब, इनके पास भी वही गन है जो मेरे पास है, डबल स्कोफील्ड। किन किन मतलब वो सूट वाला आता है ना पीछे से, उसके पास होती है वो डबल वाली गन। मैं अपना घोड़ा लेता हूँ भाई, ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मेरे को मारना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा कवर इसके अंदर जाऊँगा तो गिव अप हो जाएगा, नहीं 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 इसके अंदर नहीं जाना, मैं अपने घोड़े का कवर लेता हूँ, नहीं यार घोड़े को लग जाएगी। और ये मैं अटक क्यों रहा हूँ भाई, क्या घटिया गेम, नहीं घटिया गेम नहीं भाई, बहुत सही गेम है, मेरे को तो अच्छा लगा है बहुत ज़्यादा। और ये रिवॉर्ड शॉट करने देखूँ, घटिया गन है भाई यार, मैं हर बारी क्यों गंदी गन लेता हूँ यार, तुम लोग बताते नहीं यार मेरे को अच्छी गन कौन सी है, बताओ। अभी इसको हेडशॉट बड़ा खतरनाक वाला भाई, ये गन अच्छी है। दूसरा एम हेड पे होता है तो भाई बंदा गया, यहाँ पर दो दो थे भाई साहब, 1 स्टार मिला यार बाउंटी हंटर्स का भाई, छोड़ो कोई बात नहीं। अभी हम चलते हैं, मैं दूसरे मिशन क्यों बोला, पहला ही मिशन है ना हमारा,
हाँ चलो घोड़ा घोड़ा भाई आ जाओ, इतना दूर है। नहीं नहीं मैं पैसे पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, ये पैसे है ना, नहीं थोड़े एमओ है तो मेरे को गुफा में भी मिशंस करने हैं। पर छोड़ो कोई बात नहीं, एकदम घटिया गन है यार, इसका कुछ यूज़ नहीं है मेरे को लगता है, सिर्फ हेड हेड में मारे तो यूज़ है। तो अभी गाइस हम जल्दी से चल लेते हैं अपने सेकेंड मिशन की ओर, देखते कौन सा मिशन है खतरनाक वाला। वैसे इस वाले मिशन में तो एक ही स्टार मिला क्योंकि गन अच्छी नहीं थी, मतलब हेड पे एम होता ही नहीं है यार, मैं क्या बताऊँ अभी आपको। आप लोग खेलो आपको पता चल जाएगा कैसा है ये गेम, द गुड द बैड एंड अगली। तो फ्रैंक हमें कह रहा है हेड टू से दिस बट वी नीड यू टू किल एनीवन और एनीथिंग इन दैट कमेंट्री, 5 हेडशॉट्स नाइफ किल 5 एनिमीज और मोर। नाइफ से कैसे मरेंगे भाई, मैंने एकदम खतरनाक वाला नाइफ नहीं लिया है, मेरे पास अभी मैंने अभी थोड़ा एक अच्छा नाइफ जिससे 15 का डैमेज आता है शायद से वो वाला लिया है नाइफ। तो देखते हैं अभी कौन से बंदे आने वाले हैं। अरे भाई भाई चलो चलो, और ये भाई साहब ये कहाँ से आ गए, फिर से वही आ गए यार, ये घोड़े मेरे जैसा घोड़ा लेके क्यों आते हैं यार। तो अभी ये यहाँ पर आएगा तब तक मैं इस गन अपनी निकाल लेता हूँ। भाई साहब बहुत ही खतरनाक मरेगा, खतरनाक मरेगा भाई, उसको 2 हेड 4 हेडशॉट पड़े, मतलब हमारे 2 स्टार तो पक्के हो गए अभी तो। अभी 5 हेडशॉट तो हो चुके हैं, 5 हेडशॉट था सेकेंड वाला स्टार मिलने पर। तो अभी यहाँ पर हमने इन लोगों को मार दिया है, और इसको क्यों मार रहा हूँ मैं बेचारे को, छोड़ अभी मार दे, अपना चाकू इस्तेमाल करते देखते चाकू से कितना डैमेज। भाई मार ले भाई, 15 का डैमेज भाई साहब, मतलब दो एक चाकू में 30 का डैमेज आएगा क्योंकि एक चाकू 2 बार चलता है ना गाइस। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पर ही जाना है भाई, अच्छी बात है ना, इस यहाँ पर ही जाना है, ज़्यादा अपना घोड़ा भी थकेगा नहीं, घोड़े का खाना होना चाहिए था यार, मेरा घोड़ा बेचारा। घोड़े को भी नाम देंगे हम कुछ तो। तो पहले मैं अपने एमओ खरीद लेता हूँ, मेरे एमओ वेस्ट हो गए होंगे थोड़े बहुत, वेस्ट नहीं मतलब वो यूज़ हो गए थोड़े बहुत, तो मैं अपने एमओ खरीद लेता हूँ। भाई साहब ये जगह मानी जाती है ज़ोंबीज़ के लिए, तो इन ज़ोंबीज़ को उड़ाए थे भाई, हेड पे हेड पड़ रहे यार, क्या मस्त मज़ा आता है जब हेड पे पड़ता है, पूरे हाथ हिल जाते हैं और उनका मत्था सीधा ऐसा वाइब्रेट होता है ना, क्या मज़ा आता है यार। तो इन लोगों को हेड पे हेड मारते हुए मैं इन लोगों को ख़त्म करने वाला हूँ। ज़ोंबीज़ के नाम पे कलंक है भाई साहब, इसने मेरे को घेर लिया था, कोई बात नहीं, इनके इनके पास से मेरे को मटेरियल मिला है और ज़ोंबीज़ स्पॉन हो चुके सामने की तरफ। पहले मैं थोड़े बहुत एमओ क्राफ्ट नहीं खरीद लेता हूँ। और ये बंदे क्यों आ गए बे, सूट वाले तेरे पास कौन सी शॉटगन है, पास में आके मारेगा मेरे को, तो उसको मैंने मार दिया पहले, अच्छी बात है। और ये बंदे इसको पहले मार देते हैं, ये बीच बीच में कर रहा है बहुत ज़्यादा, और अभी इन ज़ोंबी उसको मारते हैं। और ये नीचे वाला है, इसको तो मारने का मज़ा ही कुछ अलग है क्योंकि इसको हेडशॉट ही पड़ते हैं, आपको पता ही है ना, नीचे से आते हैं तो उनको हेड पे हेड पड़ते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो भाई इस गन फाइटर के हम पैसे ले लेते हैं, और ये बंदा क्या कर रहा है, मोटे मार ही नहीं रहा, मार रहा है भाई, डैमेज दिया उसने। वैसे मेरी हेल्थ आपने नोटिस करी 150 हो चुकी है, पहले 100 थी और आज 150 हो चुकी है, सही है ना। मेरे ख्याल से मैंने एक्सपांड किया था वो वुल्फ नहीं फॉक्स की स्किन से एक्सपांड होता है, कोई बात नहीं। इन लोगों को पहले भाई दो आ गए सर नीचे वाले, और मेरे एमओ ख़त्म भाई, मेरे चाकू क्यों चला था यार बीच में, स्कोफील्ड की एमओ खरीदनी पड़ेगी, मैंने खरीद लिए 20 एमओ, 20 में तीनों के तीनों निपटने चाहिए भाई, तीनों के तीनों निपटने चाहिए, मेरे को सोच समझ के यूज़ करनी है। भाई नीचे वाले को क्या हेडशॉट पड़े यार भाई, 2 एमओ बचे और इसको अभी मार देते हैं भाई, मर गए बहुत हार्ड, 2 स्टार मिले 5 हेडशॉट भाई, 5 हेडशॉट तो हो ही चुके थे कब के, और नीचे वाला हमने किया नहीं क्योंकि नाइफ है यार, नाइफ में मर जाऊंगा मैं गाइस। अभी आग से मैं बाहर निकला ही था, ये बंदा मेरे को बोल रहा है मिशन ले ले, तो हम वाइल्ड वुल्फ्स मतलब यहाँ पर ही जाना होगा क्योंकि वुल्फ्स यहाँ पर ही होते हैं, तो जल्दी से यहाँ पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, हम जल्दी चलते हैं। यहाँ पर कहाँ पर मेरे को वुल्फ दिख रहे, वुल्फ को मारना है मेरे को, क्या क्या वुल्फ को मार के क्या मिशन मिलेगा भाई, वुल्फ को मारना है गाइस, मेरे को 3 स्टार चाहिए अभी क्योंकि पैसे मैंने देखे नहीं कितने मिलने वाले, पर फिलहाल तो मैं इससे इसका मीट खरीद देता हूँ। यहाँ पर और वुल्फ कहाँ है भाई, मेरे को घोड़ा लेके चलना चाहिए भाई, यहाँ पर वुल्फ कहाँ है, ये इस साइड पे नहीं उस साइड पे मैप में दिखा रहे हैं, अरे रे रे मेरे सामने है इतने सारे, मतलब पीछे की तरफ है, और मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, सीधा चल रहा हूँ वहाँ पर, देखो इतने सारे दिख रहे हैं और मैं किस चीज़ से अड़ रहा हूँ भाई, हेड पे हेड पड़ेंगे ना सीधा खतरनाक वाले। और ये देखो मेरे को मार रहा है भाई, हस्की है क्या तू, पूरा हस्की जैसा दिखता है, कोई बात नहीं अभी इनसे इनका मीट उठा लेते हैं। इस मीट से क्या एक्सपांड होता है, मेरे ख्याल से कुछ तो होता होगा, मेरे ख्याल से गन की होगी एमओ एक्सपांड। तो अभी यहाँ पर एक लास्ट वाला बचा है जिसको रिकॉर्ड शॉटगन पड़ेगी मस्त, और उसको पता चल चुका है शायद से, नहीं यार ये बीच बीच में चीज़ें आती ना इनका बहुत ज़्यादा मत्ता खराब होता है, अभी इसको हेडशॉट पड़ेंगे ना खतरनाक वाले। चलो डबल स्कॉफील्ड के सामने नहीं टिकेगा भाई तू,
भाई 77 HP है, अच्छी बात है। मेरे को बिग वाली वायर लेने की ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि अगला मिशन क्या मालूम, गन्स का ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा मिशन, और अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा खासा था जिससे हम क्वेस्ट कंप्लीट 120 सेकंड्स हो गए कंप्लीट। डू नॉट गेट हर्ट, भाई यार क्या फालतू गिरी है। चलो तो मैं अपने टाउन में आ चुका हूँ और अभी यहाँ मेरे येल्लो वाला मिशन मिले, येल्लो बोलो भाई, डेथ इन वुड्स द फॉरेस्ट इन नॉट वेरी पीसफुल रिसेंटली। तो चलो भाई बाय 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 बाय, हम चलते हैं अपने मिशन पे। भाई इन बंदों को लगता क्यों नहीं घोड़े का पैर, बीच बीच में चल रहे होते अपने क्राफ्ट्समैन जैसे बीच। हम लोग मतलब अपना टीममेट होगा जैसे चार्ली भाई मेरे टीम में आते हैं, मतलब मेरे वर्ल्ड में आते तो उनको उनके बीच से मैं निकल जाता हूँ, वैसे ही घोड़े का पैर नहीं लगता, लगना चाहिए था तो थोड़ी अच्छी फीलिंग्स आती है। और ये रास्ता मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यार, क्या कितना घूमना पड़ता है, किसी को आपको भी पसंद नहीं आएगा। कोई बात नहीं, गेम में एक अपडेट तो आ चुका है पर उसमें बग फिक्सेस ही हुए हैं, कब अच्छा अपडेट आता है क्या मालूम, पर आएगा मेरे ख्याल से अगर हम लोग खेलेंगे तो, क्या मालूम ये रेड डेड रिडेम्पशन बन जाए। पागल जैसी बात कर रहा है यार, इतना 20 MB का गेम कैसे रेड डेड रिडेम्पशन बनेगा यार। तो अभी इन बंदों को मैं बहुत ही अच्छा चकमा दे रहा हूँ और इस बंदे को पास जाकर ये खतरनाक गन पड़ी है। इसके पास देखो डबल स्कोप फील्ड है, तो इसको मैंने उड़ा दिया है हेडशॉट मारकर, भाग रहा था चिमकांडी। तो अभी एक तीसरा बंदा कहाँ गया यार, ख़त्म हो गया मेरा मिशन। नहीं, सामने है, इतने मैप में दिख रहे भाई, मैप में देखो बाजू में भी एक डबल स्कोप फील्ड लेके आया है, सामने मोटू है, मोटू को पहले पेट पे मारूंगा बाद में हेड पे मारूंगा। भाई भागता कहाँ है तेरी भैंस की, और अभी ये वाला मेरे को बहुत मार रहा है डबल वाला, पेड़ के पीछे क्या छुपता है, ये पेड़ आप जानते हो, अपने क्राफ्ट में मैंने अपने गोडाउन के पीछे पेड़ लगाया वो यही है स्प्रूस पेड़। भाई साहब ये कितने आ रहे भाई, चार चार दौड़ते आ रहे भाई, तीन बार वेव थ्री चल रहा है अभी क्या। इसके पास देखो थॉम्सन है, मेरे ख्याल से थॉम्सन राइफल है, और इस मोटे के पास तो भाई छोटी सी पिस्तौल होती है, और मेरी हेल्थ अभी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी वजह से मैं मर नहीं रहा हूँ, वरना पहले कैसे मर जाता था। भाई थॉम्सन से मारेगा पीछे आके हेडशॉट, भाई साहब 3 स्टार्स मिले गाइस, क्या सही यार, पहला मिशन होगा ये जिसमें मेरे को 3 स्टार मिले। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है और आज एक मिशन में तो मेरे को 3 स्टार मिले गाइस। नेक्स्ट एपिसोड में भी हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, बहुत कुछ खरीदेंगे, आप लोग ऐसे ही देखते रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। मेरे को और कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं बताओ, और क्राफ्ट्समैन के एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।